कटनी में विगत 15 मार्च से 30 मार्च तक जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी अपनी वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस दौरान महिला बाल विकास संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व पर्यवेक्षक क्षेत्र के नवरात्र में अपनी मांगों को लेकर अलग अलग स्वरूप में नजर आ रही है। विगत दिन पूर्व समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका काली साड़ी पहनकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आई। इसके बाद भी इन्हें शासन से आशा की किरण नजर नहीं आई तो प्रदेश की मुखिया की बहनों ने कलेक्ट्रेट के सामने रास्ते को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं इन सभी के मुंह बोले भाई की बहनों का दूसरा रूप सप्तमी के दिन मंगलवार को देखने को मिला, जब सभी एकजुट होकर लाल साड़ी में कैंडल मार्च करते हुए फॉरेस्टर प्लेग्राउंड पहुंची और मध्यप्रदेश की मुखिया इन सबके भाई को नौ देवी के स्वरूप का एक और लाल साड़ी में कैंडल लिए हाथों में संदेश दिया। इनके भाई को शायद इसकी रोशनी से सद्बुद्धि आ जाए। एक एक कर इन स्वरूपों को दिखाकर अपने मुंह बोले भाई की बहना आशा की किरण मान रही है, शायद इनके भाई प्रदेश के मुखिया इनकी मांगे मान ले। इस दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने नारे लगाते हुए कहा कि नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ कटनी शहर में आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जोरदार मार्च निकाला और फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में शंखनाद के साथ समापन किया। हमारा एक संयुक्त मोर्चा है महिला बाल विकास विभाग का, जिसमें परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का, ये महिला बाल विकास विभाग का हम लोग इकट्ठे अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर है। तो हमारी मांगों के लिए हम लोग अभी हमने कल मौन रैली का आयोजन किया था और उसी के तारतम्य में आज हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम प्रशासन को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश दे रहे हैं कि इस दिए की रोशनी, कैंडल की रोशनी से वो हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करके हम लोग के जीवन में, तब भी हमें विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अगर हमें आश्वासन मिलता तो शायद हम अपनी मांग, हमारा अवकाश खत्म करते, लेकिन ना हमें कहीं से भी कोई आश्वासन किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है कि हमारी मांग के बारे में कि हमें कुछ समय सीमा दी जाए तो हम अपनी काम पे वापस लौट सकें। तो कहीं इतना शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद प्रशासन हमारी ओर आकर्षित हो। अगर मान लीजिए हमारी बातें पूरी नहीं होती है तो हमें उग्र होना पड़ेगा और अपनी बातें के लिए हम कोशिश जारी रखेंगे, अपनी लड़ाई जारी। इसके लिए भोपाल स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, शायद तब हमारी बातों की सुनवाई। कांग्रेस की नहीं है बात, महिला मोर्चा की लड़ाई की है। अगर आप देखें, मैंने कल भी एक उद्बोधन में कहा था कि कांग्रेस हर लड़ाई में जनता के साथ है और हम सिर्फ यहाँ महिला मोर्चा के कारण आए हैं अपने कि यहाँ पे इतनी महिलाएं, मैं निरंतर 15 दिन से इन लोगों को देख रही हूँ, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन या ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक कहीं पर भी जू नहीं रेंग रही है और ये लोग इतना ज्यादा परेशान है। आप इनमें से कुछ लोगों से बात करेंगे जो 26-26 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना उनकी वेतन वृद्धि हुई है, ना उनको नियमित किया गया है। मतलब अगर आप इनकी 15 सूत्री मांग देखेंगे तो ये हर हाल में सही है, और मुझे पता नहीं कि जो फ्री में इतनी सारी चीजें बांट रहे हैं वो इन काम करने वाली महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 1000 रुपए महिलाओं को फ्री दिया जाएगा, 15000 इस योजना के तहत, उस योजना के तहत, तो जो काम कर रहा है उसको उसके हक का पैसा क्यों नहीं देगा? मेरा सवाल सिर्फ इसके पहले भी हम लोग ने रैली निकाली है, हर परियोजनाओं में हमने कार्यक्रम किया है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ एक आशा की किरण नहीं दिखाई दी। इसलिए हम लोगों ने कल नवरात्र चल रही है तो इसलिए जिस तरह से पार्वती माँ ने काली का रूप धारण किया था दूसरों का नाश करने के लिए, इसी तरह से हम अपने भाइयों को जगाने के लिए कल हम लोग ने ब्लैक डे मनाया था और हम लोग ने कल काली साड़ी पहनकर एक मौन रैली निकाली थी, लेकिन उस पर भी किसी प्रशासन ने या ऊपर से भी कोई हमारे पास कोई संदेश नहीं आया, ना कोई हमें कुछ एक आशा की किरण दिखी। इसलिए हमने एक नई किरण जगाने के लिए हमने एक ही कैंडल मार्च निकाला है। मुख्यमंत्री जब नए पार्टी में आए थे तब उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए जलवाए थे, राम मंदिर के लिए दिए जलवाए थे और महिला शक्तिकरण की ओर से, महिला बाल विकास की ओर से प्ले ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंडल दिए जलवाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक कैंडल मार्च कर ले, शायद हो सकता है उनकी सद्बुद्धि आ जाए और हम छोटे मान सेविकाओं के लिए कुछ हमारे लिए एक नई आशा की किरण के लिए हमने एक एक कैंडल मार्च निकाला है। मांग क्या क्या है? मांग हमारी ये है कि परियोजना अधिकारी हुए और जो पर्यवेक्षक संघ है, इन पर्यवेक्षक है हमारे, वो ज्ञापन की परीक्षा देकर वैसे ही आए हुए हैं, लेकिन उनके सामने एक दोबारा से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि वो फिर से एग्जाम देंगे, तो ये गलत है सरकार का रुख हमारे पर्यवेक्षक और परियोजना संघ के लिए और जो हम मान सेविका हैं। कटनी से प्रवीण कुमार पराशर की रिपोर्ट।